चली माँ चली दसम दिन में। Hey, what's up buddy? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कचपुरा की महाकाली का विसर्जन देखने, और अभी बज रहे हैं 7:55, मतलब 8 बजे के करीब का टाइम हो रहा है और महाकाली निकलने वाली है। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस निकलने के लिए तैयार। आज थोड़ी ठंड है इसीलिए जैकेट वगैरह पहनी है, और बस निकलते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ आपको विसर्जित होते हुए काली माँ। टाइम हो रहा है 8:28 के आसपास, और अभी माता की आरती वगैरह पूजा हो रही है, और अभी माता उठी नहीं है। उनके डीजे वगैरह, लाइट वगैरह, ढोल वगैरह, हर चीज़ तैयार है, बस माता की उठने की देर दे रही है। और जैसे ही उठती है तो फिर हम माता की समारोह में सम्मिलित होते हैं। माता का डीजे आ चुका है, देखिए बड़े से ट्रक में माता का डीजे रखा गया है, दिखाता हूँ आपको। देख कितना शानदार है। बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली आरती, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस थोड़ी देर में शुरू हो रही है। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम जय 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 ज
टाइम हो रहा है 11:33 और माता को उठाने की तैयारी हो चुकी है। अब माता को उठा के उनके जो यात्रा का जो उनकी ट्रॉली है उसमें रखा जाएगा। और ये अपना डीजे रेडी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बस माता चलने को तैयार है। इन्हें ट्रॉली से खींचा जाएगा।
ये आ गई हमारी कचपुरा वाली माता और ये गौरीघाट के जो विसर्जन घाट है, जो कुंड बनाया गया है विसर्जन के लिए, वो पहुंच चुकी है और बस थोड़ी ही देर में वो घाट पहुंच जाएंगी और पहुंचने के बाद उनकी विसर्जन की तैयारी कर उनका विसर्जन हो जाएगा। तो ये था कचपुरा वाली महाकाली का डीजे जो रात भर चला और धूम मचाया और अभी बंद हो रही कर दिया गया है थोड़ा पहले, इसलिए थोड़ा बहस हो रही है कि डीजे को चालू करें और कनेक्शन ना खोलें और फिर से इसको एक बार और स्टार्ट किया जाए जहाँ तक माता सिर रही है वहाँ तक। तो अभी कचपुरा वाली माता कुंड के पास पहुँच गई हैं, जैसे कि उनकी तैयारियाँ भी होने लगी हैं, बाकी मूर्ति खाली कराई जा रही है और फिर इनकी पूजा करके इनको भी विसर्जन किया जाएगा। अभी सारे फूल माला सब उतारी जा रही है, साफ सफाई करके माता को ट्रॉली में लेके जाया जाएगा। इस कुंड में 500 से अधिक मूर्तियाँ विसर्जित कर दी गई और यहाँ की एक खास बात है कि जैसे ही मूर्ति सिरती हैं और एक साइड से सफाई का काम चालू रहता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गंदगी नहीं होती है। फिर जैसे अभी यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं उनका जो ढांचा बच रहा है उसको बाहर निकाला जा रहा है जेसीबी की मशीन से।
हेलो भैया किनारे जाओ भाई। माता की जितनी पगड़ी वगैरह जो बनती है ना सारा साफा वो सब उतर रही है, माला वगैरह मतलब माता विसर्जन के लिए तैयार हो रही है। अरे माता को विसर्जन के लिए लेके जाया जा रहा है अभी। चल सर महाराज की जय। विसर्जन माँ चली नौ रात नौ दिन माई दसम दिन विदाई विसर्जन माँ चली जने माँ चली आंगन डगर घर सुना अधीर भय नैना नीरस हुई हर गली नौ रात नौ दिन माई दसम दिन विदाई विसर्जन माँ चली जग सुहानी वो घड़ी मोह माया ममता से जुड़ी थी तेरे लगन की हर कड़ी सपनों की वो डोर टूटी माँ बेटे से रूठी मुरझाई मन की कली
दसम दिन विदाई विसरे जन माँ चली। सतके कई दिए गरबा डांडिया नाच गाना जगराते का तराना हर एक रैना भली।